यूं तो भोरम देव धर्मनगरी करवधा का पवित्र धार्मिक स्थल है, परंतु कई असामाजिक तत्व इस धार्मिक स्थल को अपवित्रता की ओर धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बात कुछ ऐसी है कि 20 जनवरी 2022 को बैगा समाज के जिलाध्यक्ष कामू बैगा ने अपने साथियों के साथ एक आवेदन जिलाधीश कबीरधाम को सौंपा है, जिसमें ये उल्लेख है कि किस तरह से संचालकों के हत्थे भोरमदेव मंदिर अव्यवस्था व अपवित्रता का शिकार हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि भोरमदेव मंदिर के व्यवस्थापक प्रमोद दुबे द्वारा मंदिर की चढ़ोतरी के पैसे को गबन किया जा रहा है। ग्राम चौरा के आवेदकों ने इसका जिक्र करते हुए कहा है कि सावन महीने में लाखों रुपयों की हेराफेरी की है। व्यवस्थापक प्रमोद दुबे को दायित्व है कि चढ़ोतरी की राशि को नियमतः भोरमदेव तीर्थ प्रबंध कमेटी के खाता, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में है, उसमें जमा करवाएं। लेकिन पिछले वर्ष के सावन महीने की चढ़ोतरी राशि प्रमोद दुबे द्वारा 2,70,000 रूपए प्रबंध कमेटी के खाते में उसी दिनांक 2,07,000 रूपए निजी खाते में डालकर गबन कर ली जाती है। महज 8,000 रूपए मानदेय होने के बावजूद 2,00,000 से अधिक रूपए निजी खाते में जमा होना इस बात की ओर संदेह प्रकट करता है कि राशि का गबन हुआ है, पर श्रद्धालु द्वारा चढ़ाई गई राशि का दुरुपयोग हुआ है। वहीं आवेदक गणों द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि मंदिर में बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के उपयोग हेतु परिसर में धर्मशाला है, जिसका संचालन प्रबंध कमेटी के प्रमोद दुबे को ही है। धर्मशाला का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। मंदिर की पवित्र धर्मशाला अय्याशी के अड्डे में तब्दील हो गई। धर्मशाला के चारों ओर अंदर परिसर में शराब की बोतलें, फैले कंडोम अय्याशी कर अपवित्रता फैलाने की ओर इशारा करती है। आरोप लगाया कि जिम्मेदारी भूलकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर धर्मशाला का उपयोग रात्रि में पार्टी करने व स्त्री सहवास शयन क्रीड़ा का मजा लेने में किया जा रहा है। भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ का खजुराहो है और पवित्र धार्मिक स्थल है। इस तरह की असामाजिक गतिविधियों से पवित्रता धूमिल हो रही है। बैगा समाज के जिलाध्यक्ष काम बैगा ने कहा, ऐसे गलत व्यक्तियों पर कार्रवाई हो व न्यायिक जांच कर उन्हें दंडित किया जाए। उक्त खबर की सत्यता की जांच के लिए वहां पहुंचने पर जो तस्वीरें सामने आई उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर समिति के अंतर्गत आने वाले धर्मशाला में किस स्तर पर असामाजिक कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि भोरमदेव मंदिर को अपवित्रता की ओर जाने से बचाने पर सरकार कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाती है। गीता रतन बैगा है जो सरपंच है और भोरमदेव के जो मंदिर है उनका सदस्य भी है। उनके द्वारा मेरे ऑफिस में आवेदन आया था कि वहाँ जो पुजारी है और संचालक जो है आशीष पाठक और प्रमोद दुबे जी, उनके द्वारा जो है ट्रस्ट के पैसे जो मंदिर में पैसे आते हैं उस पैसा का गलत उपयोग और अपने खुद के व्यक्तिगत खाते में डालकर उपयोग, इस तरीके से मामले सामने आया। और साथ में जो धर्मशाला है वहाँ वो लोग अवैध प्रकार के, जैसे कि शराब हो, जुआ हो या बहुत प्रकार के, जिसका मैं बोल नहीं सकता, इस प्रकार के जो है गतिविधि का हो, लड़की का मामला हो, इस तरह का वो लोग हरकत लगातार करते रहे हैं, जिसका वीडियो और फोटो भी हम लोग जो है आवेदन के माध्यम से कलेक्टर साहब को सौंपे हैं। अच्छा, ठीक है, तो इसमें आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि इनमें पूरा तरीके से जांच हो, प्रमोद दुबे और आशीष पाठक जी से, कि जब से वो लोग हैं अब तक के उनका व्यक्तिगत जो है उनके खाते का भी और पूरा उनका जांच हो, और कितने पैसा उन लोगों को जो है मंदिर का गलत उपयोग किए और अपने खाते में रखे हुए हैं, खुद को उपयोग किए हैं, और इस प्रकार का जो है हमारे जो धर्म जो नगरी है और गौरवदेव जो मंदिर है धर्मशाला में इस प्रकार का जो गलत तरीके से जो इन लोगों ने गतिविधि किया है ये बहुत ही निंदनीय है। इनका पूरा जांच होकर तत्काल इनको हटाया जाए और वहाँ जो है नए पुजारी, नए संस्थापक का जो है नियुक्ति किया जाए, यही हम लोग मांग करते हैं। नर्मदा प्रसाद यादव, कबीर धाम, छत्तीसगढ़।